सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वायरल वड़ा पाव की रेसिपी। आपने तो देखा ही होगा इन दिनों वड़ा पाव कितने ज़्यादा फेमस हैं। अब हम तो दिल्ली और मुंबई जा नहीं सकते, तो क्यों ना घर पर ही बनाकर तैयार करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविताज मसाला किचन। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आधा चम्मच राई डाला है, आधा चम्मच जीरा और चार उबले हुए आलू डाले हैं मैश करके, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और इन सारी चीज़ों को अब हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा नींबू का रस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे वड़ों में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो मसाला है ना आलू का, ये बनकर तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है। आप एक बार ये वड़ा पाव ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। गर्म होने के लिए हम तेल रख देंगे और फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कप बेसन लिया है, इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये जो घोल है ना बेसन का, ये मीडियम बनाना है, ना ही ज़्यादा गीला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो ये वड़ों पर चिपकेगा नहीं सही से, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वड़ों में टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा बेसन का। इसलिए हमें मीडियम बनाना है, ना ही ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके लगातार चलाते हुए ये बैटर बनाया है ना, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। लगभग हमारा ये जो बैटर है बनकर तैयार है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो बैटर है परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम इससे भजिया तलेंगे। भजिया हम इसलिए तलेंगे ताकि हम इससे अच्छी सी भजिया वाली लहसुनी चटनी बनाकर तैयार करें। वड़ा पाव का मेन इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो मैंने यहाँ पर भजिया के लिए बैटर डाल दिया है कढ़ाई में फ्राई होने के लिए, और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इधर हमारे जो आलू का मसाला था ना, वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक एक करके वड़ा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही आपको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से ये वड़े बनाकर तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने तीन वड़े बना लिए हैं और बाकी के वड़े भी हम ऐसे ही बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे में ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई थी। मुझे तो वीडियो बनाना था इसलिए मुझे आधा घंटा लगा। अगर आप वैसे बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट में ये रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। इधर हमारी भजिया भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे कढ़ाई से। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप ये भजिया की चटनी बनाएंगे ना, ये भजिया की चटनी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये जो भजिया है सारी अच्छे से निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ना थोड़े से लहसुन को भी फ्राई किया है। तो मैंने लहसुन की 6 से 7 कलियाँ ली हैं और इसे हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये तेल में उछले ना। और इसे हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, जैसे ही हम डालेंगे इसे तेल में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। अगर लहसुन जल जाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ हमें 2 से 3 सेकेंड के लिए ही इसे फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भजिया और लहसुन फ्राई होकर तैयार हैं। अब हम यहाँ पर तलेंगे वड़े। तो वड़ों को हम हल्के हल्के हाथों से बेसन में डुबोएंगे और एक एक करके सारे वड़ों को तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर से बनाकर ट्राई करना, और आपको रेसिपी पसंद आए ना तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पर ही ये वड़ा पाव बनाकर खा सकते हैं। अब हम बना लेते हैं भजिया की चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 सूखी हुई लाल मिर्च ली है, और इधर हम वड़ों को भी हल्के हल्के हाथों से चला देंगे ताकि सारी तरफ से वड़े हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएँ।
और इधर अब हम बनाएंगे भजिया की चटनी। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, उसमें हम ये सारी सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, सारे लहसुन की कलियाँ डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, और थोड़ी सी भजिया भी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 80% भजिया की चटनी बनाऊंगी और बाकी की जो 20% भजिया है ना, इसे हम गार्निशिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये जो सारी भजिया है ये मिक्सर जार में डाल दिया है और थोड़ी सी बचा कर रखी है। अब हमारे वड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और वड़ों को भी अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप जैसे मैंने बताया है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बनाएंगे ना वड़ा पाव, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। आपको बाहर से भी कोई अलग से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, उसी से हम ये वड़ा पाव बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने सारे वड़ों को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है, अब हम बनाएंगे वड़ा पाव। तो मैंने यहाँ पर पाव लिया है और पाव को हम बीच से ऐसे हल्का सा कट लगाएंगे और अब हम इस पर लगाएंगे हरी चटनी। ये हरी चटनी मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई थी, धनिया लहसुन और हरी मिर्च की ये चटनी है, और इस पर अब हम डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था ना भजिया का, वो चटनी हम लगाएंगे और वड़ा पाव रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो वड़ा पाव है बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।